नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कालजयी खंड काव्य रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का प्रथम और द्वितीय भाग, जो कि कर्ण के जीवन पर आधारित है। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक काव्य पाठ पसंद आएगा। प्रसंग यह है कि जब पांडव अज्ञातवास के बाद वापस हस्तिनापुर लौटे तो उन्होंने कृष्ण को, भगवान कृष्ण को अपना दूत बनाकर कौरवों की सभा में भेजा कि उन्हें उनके राज्य का हिस्सा दे दिया जाए, और अगर पूरा ना दिया जाए तो आधा दिया जाए, और अगर आधा हिस्सा भी ना दिया जाए तो 5 गांव दिए जाए। तो किस तरह से भगवान कृष्ण उनके सभा में पहुंचे और वहां पर क्या उन्हें उत्तर मिला, इसी प्रसंग को वर्णित किया है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने खंड काव्य रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में। आइए सुनते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन वेग में ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण पड़े एक से एक प्रकर है छुपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। पीसा जाता जब एक सुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधर आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में साल मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेत सुगर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वो ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण ध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन साथ मुझे, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर, दुर्ग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख,
चर अचर जीव जग छर अक्षर न स्वर मनुष्य सुर जाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साधिने हाँ दुर्योधन बांधिने भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहाँ इसमें तू है मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहाँ इसमें तू है अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं जिह्वा से करती ज्वाल सजन सांसों से पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जभी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों मन बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन सुने को साध न सकता है वह मुझे बात कब सकता है हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल ने पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर बह प्रखर फण शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विस्वाण बूंद से छूटेंगे वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे आखिर तू भूसाई होगा हिंसा का परदाई होगा थी सभा सन्न सब लोग डरे थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर न घाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे केवल दो नर न घाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय दोनों पुकारते थे जय जय भगवान सभा को छोड़ चले करके रण गर्जन घोर चले सामने कर्ण सुकुचाया सा आ मिला चकित भरमाया सा सामने कर्ण सुकुचाया सा आ मिला चकित भरमाया सा हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर रथ चला परस्पर बात चली समदम की टेढ़ी घात चली शीतल हो हरि ने कहा हाय अब शेष नहीं कोई उपाय हो विवश हमें धनु धरना है क्षत्रिय समूह को मरना है।